मुख्यमंत्री जी, जब आप ये सबको एक साथ ला रहे हैं तो लालू प्रसाद के खिलाफ सीबीआई गई है सुप्रीम कोर्ट कि उनकी जमानत रद्द किया जाए। तो ऐसे ही बेचारे को तंग कर रहा है, वो तो जानबूझकर के ना तंग करता है। नीतीश कुमार जी का यह आरोप कि तंग किया जा रहा है, यह बिल्कुल ही गलत है। नीतीश जी अपने खुद उस बयान को याद करें, जदयू के लोग खुद उस बयान को याद करें, और जदयू के लोग जो लालू जी के खिलाफ कोर्ट से लेकर सड़क तक लड़ाई लड़े उसको याद करें, और उस समय के बयान को पढ़े। कोर्ट में उन्होंने जो लालू जी के खिलाफ जो मुकदमे किए थे उसको पढ़े। ऐसे भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा भ्रष्टाचार, परिवारवाद, तुष्टिकरण के खिलाफ रहती ही है। हम तो लालू जी के उस भ्रष्टाचार और उनके घोटालों के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी हमेशा संघर्ष करती रही है, और आज भी हम अपने स्टैंड पे, भारतीय जनता पार्टी अपने स्टैंड पे काम है कि जो दोषी होगा उस पर कानून कार्रवाई करे। भारतीय जनता पार्टी ऐसी मांग भी करती है और भारतीय जनता पार्टी इस तरह की नियत भी रखती है। स्वाभाविक है, जेल भिजवाने वाला तो बेचारा होता ही है। लालू प्रसाद जी को जेल भिजवाने वाला कोई एक व्यक्ति है, उसका नाम है नीतीश कुमार, और नीतीश कुमार जी ने लालू प्रसाद जी को जेल भिजवाया, चारा घोटाला में जेल भिजवाया, और रेलवे का भी सारा कागज नीतीश कुमार की पार्टी ने देने का काम किया। लालू जी को फंसाने का काम नीतीश जी करते हैं, कोई दूसरा नहीं किया आज तक। जितने भी केसेस हुए उनमें कौन है? चारा घोटाला, जब वो स्वयं पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और उनके पार्टी का ही प्रधानमंत्री देश में था, तो सीबीआई किसने बुलाया? जेडीयू के नेताओं ने, और कांग्रेस पार्टी ने उनकी सदस्यता खत्म कराई, ऑर्डिनेंस को फाड़ दिया, तब भी राहुल गांधी की चरण वंदना लालू जी कर रहे हैं। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भी, निरंतर।